कारी कारी काजल रांझे आँखी की कोरगा तो हिला सजाए हाँ मन के पोर पोरगा। जय जोहार संगवारी हो, मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ कि ये जो चैनल है सीजी नरेश काफ़ी चर्चित चैनल है, मैं चाहता हूँ कि इला और ज़्यादा चर्चित करो और सारा लोग इला देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन 20 साल से इंडस्ट्री में हवा तो कर बारे में मन जानना चाहो, ये जो सफर कैसे स्टार्ट हुई रही से? काफ़ी समय हो गया मोला ये लोक कलाकार रहते हुए, और सबसे पहले तो मैं लोक कला मंच में ही आए हूँ, दूज के चंदा एक लोक कला संस्था रही से बिहार आरंग से, तो वहाँ से मैं अपन कार्यक्रम के प्रारंभ करे हूँ। उसके बाद फिर सड्डू, उसके बाद फिर दिलीप भैया, उसके बाद फिर गोरे लाल बर्मन, इस तरह से पहली मैं लोक मंच में ही काम करे हूँ। उसके बाद फिर वीडियो एल्बम मिली तो हमन के सुंदरानी दादा है वीडियो एल्बम मोहन सुंदरानी, ओकर अंडर में मैं काफ़ी दिन तक काम करे हूँ। तो धीरे से लोक कला मंच के बाद मैं सीधा शूटिंग लाइन में आया हूँ। वो जमाना में हमार समय में एल्बम के काफ़ी चर्चा रहे, मतलब कोई भी गीत हिट हो जाए छत्तीसगढ़ में तो धूम मचाए, और काफ़ी क्रोमा भी चले, पहले तो आउटडोर शूटिंग भी चले लेकिन क्रोमा भी चले, तो कलाकार मन 3 गाना 4 गाना करे तो वो समय में मैं 14-15 गाना रात भर में कर दूँ, तो मोर मेहनत शुरू से रहे हैं और इंडस्ट्री बात में जानते कि काफ़ी मेहनत करे हूँ, तो यहीं से मोर स्टार्टिंग हो है। तो मैम आपमन की जो सबसे चर्चित एल्बम जो गाना है वो कौन सा रे हम सुनना चाहो? डायरेक्ट मोर गवावत हो हाँ। लेकिन हाँ ये तो है, जो पहली बार इंसान गाना गाते तो ओकर एक अलग उत्सुकता रहते, एक घबराहट भी रहते कि यार मैं पहली बार सिंगिंग करत हूँ तो पता नहीं कैसे हुई, हिट हुई या नहीं हुई, और जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो ईश्वर ला साक्षी रखतन कि भगवान हम छत्तीसगढ़ ले पहली बार गाना गाथन, और हमार पहला गाना अगर हिट होते तो आगे हमला काम भी मिली, हमला रोजगार भी मिली, ये भाव के साथ मैं एक अंदर से घबराहट भी रही से खुशी भी रही से, तो पहली बार मैं वीडियो वर्ल्ड में मोला चाहिए हीरो होंडा वाला के सुपर हिट गीत मोड मया हो गए रे गाना है, वो आज लगभग वो 15 साल हो गए गाना ला स्टेज में, आज भी अगर वो गाना चलते तो धूम मचाते हो गाना। 2 लाइन मैं आप मन के बीच वो गीत ला प्रस्तुत करत हूँ। कारी कारी काजल रांझे आँखी के कोरगा तो हिला सजाए हाँ मन के पोर पोरगा, झूम झूम रेंगे राजा मस्ती के चालगा, देख देख जोरा मोरे हो गे है बेहालगा, तोला पाके चिंता नहीं है मन मा समागे, आके मोरे जिंदगी मा तही उजियारे, मया हो गिरे तुर संग मया हो गिना, मया हो गिरे तुर संग मया हो गिना। एक और प्रश्न करना चाहूँ मैडम कि आप मन जिसे स्टार्ट करो जो भी कलाकारी के क्षेत्र में और उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में, चूंकि आप एक लड़की भी होते हुए इतना सारा पद ला कैसे संभाले, और आप मन अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 जन बच्चा ला गोद लेके शिक्षित करत हो, वो भी एक अलग अलग राज्य में शायद पढ़ा थे, तो ओकर बारे में क्या कहना है? सबो लेकर ही राज्य में पढ़ा थे, और कोई भी काम करे के लिए बहुत ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत नहीं, मैं हर इंटरव्यू में बात ला रखता हूँ कि अगर आदमी काम करत है तो नियत साफ होना चाहिए, सेवा के भाव अगर आपके अंदर है तो दिल से सेवा करो, नहीं बिजनेस नहीं करना है हमला, और हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम कोई भी काम करत हैं तो मैं माता पिता के आशीर्वाद होना चाहिए, सत्य रास्ता में हमला चलना चाहिए, और भगवान के ऊपर विशेष रूप से हमला भरोसा करना चाहिए, तो कोई भी काम छोटे या बड़े नहीं हुए,
आपके करे के तरीका कैसे है, आपके काम करा तो वो में सच्चाई है भी कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज तक कोई भी काम करे हूँ तो यही सोच के करे हूँ कि यार मैं मोर परिवार के नाम रोशन करूँ, मैं अपन समाज के नाम रोशन करूँ, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करूँ, ये उद्देश्य से लेके मैं आज यहाँ तक पहुँचे हूँ। तो आज मैं अपन समाज के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, नौलेकल गोद ले हूँ, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला केस कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ भारत के भी मैं प्रथम महिला केस कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हूँ, सबसे कम एज के। तो कहीं ना कहीं कि आपकी नीयत साफ होना चाहिए कोई भी काम करे से, ज़्यादा झूठ झपेट करवे तो नीचे वाला के दाखिल मुन ले, वो ऊपर में बैठे थे तो दी बड़ा बड़ा, तो अच्छा काम करना चाहिए तो भगवान खुद आप ही आप रास्ता खोल देते, ऐसे मोर मानना है। अच्छा मैम, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में अभी बहुत अगन फिल्म आते पहले के दौर में, बहुत गिने चुने समय में आते अभी, लेकिन अतक फिल्म आते तो कैसे देखते हो वो फिल्म, ज़्यादा लाना जरूरी है कि कुछ अच्छा लेके और अच्छा कंटेंट के साथ में आना चाहिए? मैं अभी हाल में ही पूरा इंडस्ट्री के बहुत बड़े कार्यक्रम रही से कि पुस्तक मेला जिमें सतीश जैन जी रही से, अनु शर्मा जी रही, मोर ख्याल से पूर्णता इंडस्ट्री वहाँ पर बैठी रही, तब वो मैं अपन भाषण में एक ही बात कह हूँ, समीक्षा की ज़रूरत है। पिक्चर आते काम तो बहुत मिला थे हमारे कलाकार मल्ला, और रोजी रोटी के बहुत जोरदार जरिया है, पर लगभग पब्लिक देख चुके सतीश जैन के पिक्चर ला, हर जन पगलील जब देखे है पब्लिक का, वो वही लेवल के आज के डेट में पिक्चर चाहते कि यार अगर ये लेवल के फिल्म छत्तीसगढ़ में तो यही लेवल के फिल्म आना चाहिए। तो आजकल का होते कि अति उत्साहित में लोगन अपन जमीन जायदाद ल बेच देते, खुदे हीरो बन जाते, खुदे डायरेक्टर बन जाते, खुदे सबो कर डर रहते, तो कहीं ना कहीं से मैं हमला अच्छा नहीं लगे, और छत्तीसगढ़ ला हमला अच्छा परोसेल पड़ी, काबर पूरा जनता हमारे इंतज़ार है कि छालीवुड इतना लेवल पे आ गया। अभी आप देखो ना छालीवुड में एक भी कलाकार आप लोग खाली नहीं मिले, कोरियोग्राफर आप लोग खाली नहीं मिले, इतना बड़ी बात हमारे छालीवुड के लिए। लेकिन एक लिए ज़रूरत है कि कहानी अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, अब एक समीक्षा बैठक होना चाहिए कि कोई भी अगर फिल्म लगत है तो कर पहले एक बार हमारे जो बड़े ये भी डायरेक्टर मने सतीश भैया मने एक बार वो फिल्म ला देखे, सच में रिलीज के लायक है तो रिलीज करे, कोई कमी है तो ला सुधार करे। बाकी तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में छालीवुड के इतना बड़े स्थान बने हैं, और छत्तीसगढ़ के फिल्म के नाम पूरा भारत में होना चाहिए, ऐसा मैं दिल से भी दुआ करता हूँ। अच्छा छालीवुड में छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम का गठन हो रही है, लेकिन वो कुछ दिन बनाए रही भाजपा सरकार में, फिर ओकर बाद अध्यक्ष जी नहीं रही, तो एक बाद ऐसे कुछ कदम नहीं उठाए जाते जिन चिल्ला आगे अच्छा से बेहतर छत्तीसगढ़ हो सके फिल्म इंडस्ट्री के लिए? भारतीय जनता पार्टी जब एक गठन करी सिवे तो दुर्भाग्य की बात है कि लास्ट में एक गठन हुए, लेकिन मैं आप लोग बताता हूँ अगर सरकार रहती तो आज जो कर बैलाज बने रही से, मैं चूँकि वो में रहे हूँ मैं, तो हमर जो अवस्थी जी वो पूरा बना चुके रही से कि हमला इसे करना है, इंडस्ट्री बनाना है, हमला शूटिंग की जगह देना है, हमार कलाकार मन के लिए बहुत सुंदर काम कर वो, यानी बहुत सारा चीज़ बन चुके रही। दुर्भाग्य है कि हमार सरकार नहीं आ पाई, तो अब आगे ये सरकार का करिए, साल भर तो हो गए अभी कुछ बने नहीं है चुनावी वजह से, आप देखो आगे मन का करत है, चाहो कि अच्छा ही रहे कुछ। गांव के जो मेन शहर अगर पड़ा थे कहीं कहीं अच्छा जगह, वहाँ थिएटर बनाना चाहिए ना कि फिल्म सिटी, तो ये का सही है? दर्शक मन के ऊपर जाना चाहिए कि कोई नेता अधिकारी बोला थे कि हमला तो फिल्म सिटी बनाना है? देखो यार बन जान दो, ये ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई व्यक्ति हमारे लिए काम करे थे तो करन तो दो एक बार, अगर फिल्म सिटी अगर बना थे तो बना दो, थिएटर की डिमांड है तो वोला भी धीरे से मांग कर वो भाई सरकार उकर है, तो मोर ये कहना है कि अगर सरकार उकर है तो जो जो आपके मांग है पहले से अगर आप काट दे तो कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो भाई पहले देच नहीं है एक बार तो देखो तो सही सामने वाला का देते, उकर तो खजाना भरे है। तो मैं भी चाहता हूँ कि बड़े बड़े कस्बा जहाँ हैं वहाँ पर थिएटर होना चाहिए, फिल्म सिटी के निर्माण होना चाहिए, तो बहुत अच्छा कदम है अभी तो फिलहाल। कहे मतलब कि दर्शक अगर चाहत भी है तो ये सरकार अगर करना चाहे तो वो करन दो भाई, ऊपर हाथ में सब अभी 5 साल है, 1 साल तो निकले हैं, चाहे तो काफ़ी कुछ उमन कर सकते हैं, और जनता अभी उम्मीद है कि आगे देखो छत्तीसगढ़िया सरकार है, ऐसे लोगन मन अभी कहा थे तो आगे आगे देखते हैं होता क्या है। अच्छा नवा कलाकार मन पर आप मन का कहना चाहते हो जिसे इंडस्ट्री में आवा
सबोजन सिंगर बन जाते हैं, सबोजन कलाकार बन जाते हैं, लेकिन बोला का ऐसी तैयारी करके इंडस्ट्री में आना चाहिए और बेहतर से बेहतर काम कर सका। ये बात ले मैं हर बार कहता हूँ कि बिना साज और बिना प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं हुए। कोई भी काम ला साधन की जरूरत पड़ते, साधक होना चाहिए, वो लोग पूजा करने लगते। आजकल के लोग लेकर मन ठीक है, बहुत अच्छा काम करे थे। मैं अपन तरफ से एक संदेश जरूर देना चाहूँगा मल्ला कि कोई भी काम करो तो ला साधो जरूर, ओकर पूजा करो, ताकि आपकी कला भी निखर के आए। और अभी वही जो बताए आप लोग पिक्चर बनावा थे तो खुदे डायरेक्टर, खुदे प्रोड्यूसर, खुदे सब वो ला थोड़ा सा समझ के करे। बाकी आज का समय में सब लेकर मन समझदार है, यूट्यूब के ज़माना है, मीडिया के ज़माना है, सोशल वर्क के ज़माना है, तो सब एक दूसरे ज़्यादा शिक्षा दे की जरूरत नहीं है। मैं अपन तरफ से कहूँ कोई भी काम करना है नेक नियत के साथ काम करो, सच्चाई के साथ काम करो, ईश्वर ल साक्षी रख के काम करो, आप स्वरूप आप आगे बढ़ जाओ। बस यही तो संदेश है कि अपन माँ बाप के नाम रोशन करे, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करे। अगर जो लाइन में है, चाहे वो डायरेक्टरी लाइन हो, चाहे इंडस्ट्री लाइन हो, चाहे वो टिकटॉक लाइन हो, जो भी लाइन है वो लाइन में अगर आगे बढ़ना है तो बढ़िया परिश्रम करें और अपन सबके नाम रोशन करें। बस यही चाहूँ, सब लोग मोर शुभकामना भी।